तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो UPSC इसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, और हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। कोशिश करेंगे कि इसका हर पॉइंट समझें और कुछ भी छोड़ने ना पाए। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इतिहास क्या है। सवाल ये है कि इतिहास तो इतिहास क्या है, तो सीधी सी बात है, हम लोग यही कह सकते हैं कि वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन। क्या कह सकते हैं हम लोग? वर्तमान मतलब यही होता है कि वर्तमान में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, जो बीता हुआ समय है उसी के बारे में। क्या कहा? तो वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन। अतीत मतलब बीता हुआ समय। तो ये तो इतिहास का परिभाषा हो गया। अब इतिहास क्या है और इतिहास के जानने के स्रोत क्या हैं, तो अब इस स्रोत पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इतिहास जानने के स्रोत, आखिर इतिहास को जानने का क्या क्या स्रोत है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से अभी चर्चा करते हैं। तो दो तरीके से हम लोग को इतिहास की जानकारी मिलती है। एक तो लिख लेते हैं, साहित्यिक स्रोत है, और दूसरा है पूरा तात्विक तो पुरातात्विक को थोड़ा सा अभी रहने देते हैं, अभी हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। तो साहित्यिक स्रोत शुरू होता है दो चीज़ से, एक तो होता है देसी और दूसरा होता है विदेशी। विदेशी में यही आता है, मेगास्थनीज है और फॉरियान है, वेंगसांग है, ये सारे लोग विदेशी साहित्य में आते हैं ना। एक होता है देसी और दूसरा होता है विदेशी। तो दो के कारण होता है। हाँ जी, साहित्यिक है, विदेशी साहित्य और देसी साहित्य। विदेशी को थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा इस देसी को ही समझते हैं। तो देसी में क्या होता है, एक तो धर्म
और दूसरा है अधर्म भी कह सकते हैं, या फिर हम लोग धर्म निरपेक्ष कह सकते हैं। धर्म धर्म निरपेक्ष चलिए, हाँ कुछ गलत ना हो तो। धर्म निरपेक्ष और धर्म, तो धर्म में हम लोग तो लिख लीजिए धर्म के नाम पर, या फिर धार्मिक भी हम लोग लिखते हैं। हो गया धार्मिक और धर्म निरपेक्ष। तो धार्मिक में तीन कैटेगरियां बटी हुई हैं, एक तो एक ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण साहित्य है, तो ऊपर से शुरू करते हैं। ऊपर से शुरू करते हैं, इसको मिटाए थोड़ा सा। हाँ, एक बार देख लीजिए इतिहास क्या है। वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन और इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत हैं, तो साहित्यिक स्रोत हैं और पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातात्विक को अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लेकिन पहले से देखते हैं कि देसी साहित्य के बारे में। देसी साहित्य और विदेशी साहित्य दो तरीके से, विदेशी के बारे में यही कहा जाता है कि विदेशी लोग क्या क्या देश में अध्ययन करके बताएं इन चीज़ों को, विदेशी में कहते हैं। जैसे मेगास्थनीज हो गया, विंग सांग हो गया और फरहान हो गया, ये सारे लोग हैं। आगे हम लोग अभी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देसी के बारे में हम लोग हैं। धार्मिक वो होता है, एक धर्मनिरपेक्ष होता है। तो हम पहले धार्मिक को, फिर धर्मनिरपेक्ष को, फिर ऊपर के तरफ जाएंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं धार्मिक। तो धार्मिक साहित्य अभी जैसे मैंने बताया, इसको तीन भागों में बांटा गया है। एक तो ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण साहित्य बोल दीजिए। दूसरा बौद्ध साहित्य, और तीसरा है जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में आ जाता है और दो तीन चीज़ें हैं जिक्र करने लायक, जिसमें एक तो रामायण, महाभारत और पुराण, ये सारे चीज़ आते हैं। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे बोलिए। तो वेद भी हो गया और ब्राह्मण ग्रंथ, ये सारे चीज़ें
इसमें ब्राह्मण साहित्य में आते हैं। बौद्ध साहित्य में एक चीज़ आता है, इसमें भी दो तीन चार आता है। सबसे पहले पहले आता है महायान, हाँ बोलिए।